तो प्यारे दोस्तों, फाइनली जिस वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में भर भर कर कमेंट कर रहे थे, वो वीडियो आज आपके सामने है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको आपके क्लास 10th का सोशल साइंस यानी कि SST का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। और ये सिलेबस स्पेशली CBSE बोर्ड और दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए अब अपना सिलेबस को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो देखिए, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कूल में सबसे पहले आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, तो मिड टर्म एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, वो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। फिर इसी वीडियो में आगे मैं आपको आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब अपना सिलेबस समझते हैं। तो देखिए, ये तो आपको पता ही है कि आपके पास सोशल साइंस में टोटल 4 बुक्स हैं, एक तो हिस्ट्री, इसके अलावा सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जो आपके पास हिस्ट्री की बुक है, जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड 2, तो इस बुक का नाम है यानी कि हिस्ट्री का ये बुक है, तो इसका चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि इसको हिंदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हिस्ट्री की बुक में से ही आपका चैप्टर नंबर 2 आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि हिंदी में इसे हम भारत में राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हिस्ट्री की बुक से आपका चैप्टर नंबर 2 भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे इसी बुक में से आपका चैप्टर नंबर 4 देखिए, जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, ये आपका यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द चैप्टर इज टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक असेंबली ओनली, यानी कि जो आपका हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 4 है, तो इस चैप्टर से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ना ही मिड टर्म एग्ज़ाम में, ना ही आपके प्री बोर्ड और ना ही फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में। यानी कि ये चैप्टर जो है, ये आपका सिर्फ जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में यानी कि ना ही मिड टर्म, ना ही प्री बोर्ड, ना ही फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम, किसी में भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, जो आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 वाली बुक है, यानी कि जो सिविक्स की बुक है आपका, तो उसमें ये देखिए पावर शेयरिंग, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सत्ता की साझेदारी, तो ये चैप्टर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। इतना आपको अच्छे से क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, इसी बुक में से यानी कि सिविक्स में से ही आपका चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म को हिंदी में हम संघवाद कहते हैं, तो ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे इसी बुक से चैप्टर नंबर 3 देखिए, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, तो आपका चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जिसे हम हिंदी में जाति धर्म और लैंगिक मसले बोलते हैं, तो ये चैप्टर 3 जो है ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, जो आपके पास थर्ड बुक है कंटेम्प्ररी इंडिया 2 नाम से, यानी कि जो आपके पास ज्योग्राफी की बुक है, उसमें से चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन एवं विकास, तो ये चैप्टर जो है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा ज्योग्राफी की बुक में से, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, ज्योग्राफी में से ही आपका चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि वन एवं वन्य जीव संसाधन, तो ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, तो ज्योग्राफी की बुक में से ही आपका चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन, तो ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आपके पास फोर्थ बुक है इकोनॉमिक की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इस बुक से आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट यानी कि विकास, तो ये चैप्टर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद इसी बुक में से यानी कि इकोनॉमिक में से ही चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ तक जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं चारों ही बुक में से, वे सब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। तो आई होप आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं वे सब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के थे। ठीक है, अब जो आपका ये मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है यानी कि जो जो चैप्टर्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ये सब 15th ऑफ सेप्टेम्बर यानी कि 15 सितंबर तक आपके स्कूल में कंप्लीट करा दिया जाएगा आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस, उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी आने वाले 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ्स में बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको NCERT बुक के अलावा अदर रेफरेंस बुक की भी हेल्प लेनी चाहिए। तो इसीलिए आप ये जो बुक है मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चन बैंक, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से है, तो इस बुक की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक में आपको MCQ, इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और ये मैथ्स स्टैंडर्ड के लिए है, तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। इसके बाद हम आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, जो मैंने आपको अभी मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताया है यानी कि जो जो चैप्टर्स मैंने आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए बताए हैं, तो वे सब भी आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, और जो अभी मैं आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ चारों ही बुक में से, वे भी आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस सिलेबस का जो PDF है, इसमें जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा, वे सब आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो अभी मैं आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ वो, और जो मैंने अभी आपको मिड टर्म एग्ज़ाम वाले चैप्टर्स बताए थे वे सब आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तो आप देखिए कौन कौन से चैप्टर्स आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम के जो चैप्टर्स हैं उनके अलावा। तो सबसे पहले आपका इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 यानी कि जो हिस्ट्री की बुक है, उसमें से आपका चैप्टर नंबर 3 देखिए, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड को, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसको ध्यान से समझना, इसका जो सब टॉपिक है 1 से लेकर 1.3 तक, यानी कि जो ये चैप्टर नंबर 3 है इसका टॉपिक 1 से लेकर 1.3 तक सिर्फ इतना ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, यानी कि 1 से 1.3 तक जितने भी टॉपिक हैं इसी में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के 1.3 जो टॉपिक है उसके आगे जितना भी है उसमें से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए नेक्स्ट है आपका 4 इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट सब टॉपिक 2, यानी कि मैं आपको समझा दूं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका चैप्टर 3 है हिस्ट्री की बुक में से, इसका चैप्टर 3 से जो टॉपिक है 1 से लेकर 1.3 तक इसमें से सिर्फ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन 1.3 के जो आगे टॉपिक्स हैं यानी कि यहाँ पर देखिए सब टॉपिक्स 2, तो 1.3 के आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपके
इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए है, यानी कि जैसे वाइवा वगैरह होता है आपके स्कूल में, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए दिए जाते हैं, तो उन सभी यानी कि वाइवा और प्रोजेक्ट्स के लिए आपका 1.3 के आगे टॉपिक जो हैं उनमें से किए जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि 1.3 के जो आगे टॉपिक्स हैं वो सब आपके सिर्फ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर बताया भी गया है कि 1.3 के जो आगे टॉपिक्स हैं जिसका नाम ये है 19th सेंचुरी 1850 टू 1914, तो सब टॉपिक 2 ये जो है ये आपका, इसके अलावा सब टॉपिक 3 ये देखिए इसका नाम है द इंटर वॉर इकोनॉमी, इसी तरह से सब टॉपिक 4 ये सब जो हैं जितने भी आप देख रहे हैं ये सब आपके इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री की बुक में से ही आपका चैप्टर नंबर 5 जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि जिसे हम हिंदी में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया कहते हैं, तो ये चैप्टर नंबर 5 भी आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 वाली बुक, यानी कि जो सिविक्स की बुक है उसमें से आपका चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल, तो ये भी चैप्टर आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। यानी कि अब आगे जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे सब आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो अब आगे देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 यानी कि सिविक्स की बुक में से ही आपका चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है, तो ये भी आपका आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 यानी कि ज्योग्राफी की बुक में से चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो ये भी आपका आएगा। इसके अलावा आगे देखिए ज्योग्राफी की बुक में से ही चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि विनिर्माण उद्योग, तो ये भी आपका आएगा। इसके बाद आगे देखिए ज्योग्राफी की बुक में से ही चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो ये जो चैप्टर है इसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो इस चैप्टर को ध्यान से देखना, ये जो चैप्टर है ये आपके सिर्फ मैप वर्क यानी कि जितने भी मैप वाले क्वेश्चंस हैं वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे सिर्फ, यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ इस चैप्टर से मैप वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी कि मैप वर्क ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए जो आपके पास इकोनॉमिक की बुक है यानी कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें से चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट यानी कि मुद्रा और साख, तो ये चैप्टर आएगा आपका। इसके बाद आगे देखिए इसी बुक में से यानी कि इकोनॉमिक की बुक में से ही चैप्टर नंबर 4 जो है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यानी कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इस चैप्टर से देखिए सिर्फ आपके 2 टॉपिक आएंगे, एक तो आपका टॉपिक है यहाँ पर देखिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा है आपका फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर आपको जो ये 2 टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं यही आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि इन्हीं दोनों टॉपिक्स से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे इस चैप्टर नंबर 4 से। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद अब देखिए आगे आपका इकोनॉमिक की बुक में से ही चैप्टर नंबर 5 जो है कंज्यूमर राइट्स यानी कि जिसे हम हिंदी में उपभोक्ता अधिकार कहते हैं, इसके अलावा सोशल इशूज़ यानी कि सामाजिक मुद्दे और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत एवं पोषणीय विकास। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि चैप्टर नंबर 5 इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ये चैप्टर आपके सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। ठीक है,
ये जितना भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं ये सब आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में है, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से कर लेना। और यहाँ पर देखिए जो आपका ये सिलेबस है प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो आपका 15 दिसंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और ये जो PDF है सिलेबस का ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और अच्छे से अपना सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे मैप आइटम्स भी दिए हुए हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम में मैप वाले क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनेंगे वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तो आप खुद से भी समझ सकते हैं पढ़ के, ठीक है। आप एक बार इस PDF को डाउनलोड कर लेना, फिर आप पूरा पढ़ लेना मैप आइटम्स, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।